तो बिफोर मेड वी वर डिस्कसिंग द वेदरिंग प्रोसेसेस इफ यू रिमेम्बर. तो वी हैव कवर्ड फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग. इन द फिजिकल वेदरिंग फर्स्ट वी डिस्कस्ड दैट फिजिकल चेंजेस ड्यू टू डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स. वो कौन कौन सी फिजिकल चेंजेस थी वो सारी हमने डिस्कस की. वो पानी की वजह से हो सकता है, आइस की वजह से हो सकता है, या जो डिफरेंट और भी हो सकते थे सोर्सेस. तो ये जो एजेंट्स थे फिजिकल वेदरिंग के, दैट वर प्लांट्स एंड एनिमल्स, टेम्परेचर, स्मैशिंग, ब्रेकिंग, फॉलिंग ऑफ रॉक्स इंटू स्मॉलर पीसेस बाय वेटिंग एंड ड्राइंग एंड ड्यू टू अब्रेशन बाय विंड, वाटर एंड आइस. इसके बाद हमने केमिकल वेदरिंग डिस्कस किया था. हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस, डिसोल्यूशन, एसिड रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन. ये सारा करने के बाद एक जो मेन टॉपिक है, दैट्स द प्रोसेसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. आई थिंक ये हमने डिस्कस नहीं किया था. तो देर आर फोर मेन प्रोसेसेस विच आर गिवन हेयर: एडिशंस, लॉसेस, ट्रांसलोकेशंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस. ये साइड पे आपको जो एक डायग्राम नजर आ रही है, लेट्स थिंक दैट ये एक सॉइल है. ऊपर ये आपको जैसे प्लांट्स नजर आ रहे हैं और नीचे आपको ये सॉइल नजर आ रही है. अब इसमें एडिशंस, पहले सबसे पहले चीज है एडिशंस. एडिशंस क्या हो सकती हैं सॉइल में? एडिशंस डिफरेंट फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं, उसमें गैसेस हो सकती हैं, सीड्स हो सकते हैं, या को जो भी कोई चीज, पानी हो सकता है, या आप सॉइल में ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एडिशन. इसी तरह जब क्रॉप हम हार्वेस्ट करते हैं और उसको रिमूव कर लेते हैं, दैट्स कॉल्ड लॉसेस. अब लॉसेस में एक तो क्रॉप रिमूवल हो गया, कुछ ऐसे लॉसेस हैं जो न्यूट्रिएंट्स पानी के साथ बह के नीचे चले जाते हैं या जमीन से रिमूव हो जाते हैं, दे आर ऑल कॉल्ड एज लॉसेस. तो ये दो प्रोसेस, एक एडिशंस, लॉसेस, थर्ड इज ट्रांसलोकेशन. ट्रांसलोकेशन मींस एक जगह से दूसरी जगह मूव करना. सो व्हेन वी अप्लाई इरिगेशन वाटर, पानी के साथ सॉइल्स के पार्टिकल्स का, न्यूट्रिएंट्स का, या कोई किसी भी और चीज का ऊपर वाली से लेयर से नीचे मूव कर जाना, दैट्स कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन. एंड फोर्थ इज द ट्रांसफॉर्मेशंस. ट्रांसफॉर्मेशंस मीन्स एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना. जैसे कोई भी फर्टिलाइजर है, जैसे आपने पानी में फर्टिलाइजर सॉइल में डाला, अब पानी से वो सॉल्युबलाइज हो गया, सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज हुआ, फिर उसकी कुछ पोर्शन जो है प्लांट्स को अवेलेबल हो गया, कुछ बैक्टीरिया ने यूज़ किया, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. इसी तरह सॉइल्स की भी ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं. सॉइल में काफ़ी सारे मिनरल्स हैं, या सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रहे हैं. तो ये जो मेन चार प्रोसेसेस हैं ये आपने याद रखने हैं: एडिशंस, लॉसेस, ट्रांसलोकेशंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस. तो ये चारों प्रोसेसेस जब एक्ट करते हैं, ये पूरा सॉइल को सॉइल बनाते हैं. अब ये एक जस्ट एक डायग्राम है यहाँ पे पेरेंट मटेरियल की और ये बेड रॉक. बेड रॉक मीन्स दैट रॉक मटेरियल फ्रॉम विच पेरेंट मटेरियल इज डिवेल्प्ड. जस्ट अभी बेड रॉक से पेरेंट मटेरियल बनता है और पेरेंट मटेरियल फिर कन्वर्ट होती है सॉइल में. तो ये जो कन्वर्जन है पेरेंट मटेरियल की सॉइल में, डिफरेंशिएशन कि डिफरेंट होराइजन्स आपको नजर, डिफरेंट लेयर्स नजर आ रही हैं. सबसे ऊपर ये कुछ और नजर आ रहा है, नीचे कुछ और है, ये कुछ और है, और फिर बेड रॉक है. तो ये जो तीनों शेप्स हैं, दे आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द पेरेंट मटेरियल. पेरेंट मटेरियल की शक्ल है, चेंज हो गई है किसी वजह से. वो क्या वजह है? दैट इज एक्चुअली वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग.
अब इसमें ये चारों प्रोसेसेस शामिल हैं, एडिशंस, लॉसेस, ट्रांसलोकेशंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस। तो ये चारों प्रोसेसेस काम करते हैं, प्लस वेदरिंग, तो पेरेंट मटेरियल कन्वर्ट होता है सॉइल में। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आते हैं, हमने डिस्कस करना है सॉइल प्रोफाइल। ये आप देख रहे होंगे, ये शेप्स चेंज हो रही हैं, यहाँ पे फिगर्स चेंज हो रही हैं। सो दिस इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। अगर किसी भी ज़मीन में किसी भी मिट्टी को आप इस तरह से वर्टिकली देखें, ऊपर आपको क्रॉप्स नज़र आ रही हैं, प्लांट्स नज़र आ रहे हैं, और आप अगर खुदाई करेंगे, डिगिंग करेंगे, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद नीचे ये रॉक्स या बजरी या ये रेत के पार्टिकल्स ये स्टार्ट हो जाते हैं, और यहाँ डिफरेंट लेयर्स सी नज़र आते हैं। सो दिस इज एक्चुअली अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल। इसको हम कहते हैं वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम द सरफेस टू इट्स डीपेस्ट लेयर। अब ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अ फ्यू मीटर्स, इट मे बी अ फ्यू मीटर्स, एंड इट कंप्राइजेज ऑफ डिफरेंट लेयर्स। लेयर्स कैसे हैं, आप अगर गौर से देखें तो ये एक लेयर सी बनी हुई है, फिर ये भी एक लेयर सी बनी हुई है, ये भी एक लेयर सी बनी हुई है, ये एक लेयर सी नज़र आ रही है हमें, यहाँ पर भी एक लेयर नज़र आ रही है। सो ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं, ये किसी भी जगह पे किसी भी मिट्टी में जब हमें नज़र आती हैं, यहाँ सारी लेयर्स, तो इसको हम सारे को कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। तो वी कैन से दैट इट्स द वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम द सरफेस टू इट्स डीपेस्ट लेयर्स, दैट्स कॉल्ड एज सॉइल प्रोफाइल। अब ये डिफरेंट तरह के होते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये एक सॉइल प्रोफाइल है, ये भी एक सॉइल प्रोफाइल है। अब देखें ये डिफरेंट शेप्स आपको नजर आएंगी। सो डिफरेंट सॉइल प्रोफाइल्स में डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट लेयर्स हैं। ये फ़र्क है कि ज़मीनें मुख्तलिफ होती हैं, किसी जगह की मिट्टी की क्या खसूसियात हैं, किसी जगह की कुछ खसूसियात हैं। अब इसमें जो लेयर थी, इस सारे को तो हमने कहा कि ये प्रोफाइल है। अब इस प्रोफाइल में ये जो लेयर्स हैं डिफरेंट, ये जो लेयर्स हमें नज़र आती हैं, इन लेयर्स को हम कहते हैं होराइजन्स। एक्चुअली दिस इज द रफली पैरेलल लेयर टू द सॉइल, इन द सॉइल विद वेरी कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, इट्स बेसिकली वर्ल्ड हॉरिजेंटल। जैसे हॉरिजेंटल होता है, हॉरिजेंटल लेयर्स, ये हॉरिजेंटल लेयर्स हैं। प्रोफाइल जो था दैट वाज वर्टिकल सेक्शन। वर्टिकल सेक्शन मीन्स वर्टिकल सेक्शन का मतलब था यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक टोटल वर्टिकल सेक्शन। हॉरिजेंटल मीन्स दीज आर द हॉरिजेंटल लेयर्स। सो ये डिफरेंट लेयर्स हैं, इनको हम होराइजन्स कहते हैं। अब हम इनको तसल्ली से डिस्कस करते हैं कि ये होराइजन्स क्या होते हैं और इनकी क्या टाइप्स होती हैं। सो यू सी डिफरेंट लेयर्स। अब इसमें किसी भी सॉइल में कुछ हम कहते हैं दे आर द मास्टर होराइजन्स, वो हम डिस्कस करते हैं कि मास्टर होराइजन्स क्या होते हैं। यहाँ पे आप देखें, ये एक जैसे दरख्त है, उसकी जड़ें नीचे तक जा रही हैं, बिल्कुल टॉप पे ये एक लेयर सी नज़र आ रही है आपको, फिर ये एक लेयर सी नज़र आ रही है, फिर ये एक लेयर नज़र आ रही है। एक्चुअली दीज आर द होराइजन्स ए बी सी। अब कुछ सॉइल्स में ए से ऊपर भी एक होराइजन होता है, दैट इज कॉल्ड एज ओ। ओ मीन्स ऑर्गेनिक होराइजन। एक्चुअली दीज आर द ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो किसी भी जमीन पे इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पे प्लांट्स के पत्ते हो सकते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स हो सकते हैं, कुछ कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। ये आप देखेंगे जंगलात में, फॉरेस्ट में, वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर की लेयर ज़्यादा एनरिच होगी, ज़्यादा हैवी होगी, जबकि हमारे यहाँ एरिड रीजन्स में या दूसरे जो खुश्क इलाके हैं, वहाँ पे ओ होराइजन कम होता है। तो ओ होराइजन सबसे ऊपर है, उसके बाद है ए होराइजन, फिर बी,
फिर सी, अब इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सो हेयर कम टू द ए होराइजन। सो ए होराइजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज टॉप होराइजन, या इसको टॉप लेयर भी कहते हैं, या इसको प्लो लेयर भी कहते हैं। प्लो लेयर इसलिए कहते हैं बिकॉज यहाँ पे हल चलाते हैं आप, जो प्लोइंग करते हैं, जो सीड्स सो करते हैं, वो सारा ए होराइजन होता है। इसकी खूबी यह है कि इसमें भी ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, इट्स लेस देन ओ होराइजन। ओ होराइजन अगर बिल्कुल ऊपर एक ओ होराइजन की लेयर हो, वो तो है ही ऑर्गेनिक मैटर, लेकिन ए होराइजन में भी ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बी एंड सी एंड अदर होराइजन। तो ये हमने समझा कि ए होराइजन इज अ टॉप होराइजन, इट्स आल्सो कॉल्ड एज प्लो लेयर, और दूसरा ये है कि ये 10 से 25 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ होती है ए होराइजन की। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। अब ये ए होराइजन की कुछ पिक्चर्स हैं कि डिफरेंट सॉइल्स में डिफरेंट ए होराइजन होते हैं। यहाँ पे देखेंगे ए होराइजन ये कंप्राइज कर रहा है, यहाँ पे इस तरह से है। तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, इसका कलर भी डार्क है, इसमें प्लांट रूट्स बायोटेक एक्टिविटी भी ज्यादा है, और इसमें गैस और वाटर का एक्सचेंज ज्यादा होता है। अच्छा, इसके बाद है बी होराइजन। फर्स्ट वाज ए, सेकंड इज बी। आपकी बुक में अगर आप देखेंगे तो ए और बी के दरमियान में भी दिया हुआ है एक ई होराइजन, वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या है। बेसिकली दैट्स इंटरमीडिएट ए और बी के दरमियान वाला पोर्शन है ई होराइजन का, अभी मैं आपको वो भी समझाता हूँ। सो बी होराइजन ये बेस ए के नीचे वाली लेयर है सारी, ये बी होराइजन कहलाती है। अब इसमें इसको हम को कहते हैं जोन ऑफ एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ आइंस एंड क्ले एंड मिनरल्स। एक्यूमुलेशन मींस जमा होना, आयंस का जमा होना, या क्ले का जमा होना, या मिनरल्स का जमा होना। अब कहाँ से जमा होते हैं? सो बेसिकली व्हेन एवर देयर इज, जब आप प्लो करते हैं, जब आप हल चलाते हैं, जब बारिशें होती हैं, जब रूट्स मूव करती हैं, तो ये जो ए होराइजन है यहाँ से चीजें नीचे मूव करती हैं, नीचे की तरफ। अब जब नीचे की तरफ मूव करती हैं तो यहाँ पे इकट्ठी होती हैं बी होराइजन में, इसलिए हम इसको कहते हैं दैट्स द जोन ऑफ एक्यूमुलेशन, जमा होने का जोन या रीजन। अब इसमें बीच में एक है ई होराइजन। ई होराइजन इज द जोन ऑफ एलुविएशन। एलुविएशन मींस वॉशिंग आउट, जिसको हम रिमूवल भी कह सकते हैं। सो थिंग्स आर रिमूव्ड, यहां से रिमूव होती हैं और नीचे मूव करती हैं। सो जब नीचे मूव करती हैं बी होराइजन में, इसको हम कहते हैं इल्यूविएशन। इल्यूविएशन मींस वॉशिंग इन, कि जो चीज ई से निकली है बी में आके जमा हुई उसको हम कहते हैं इल्यूविएशन। यहाँ पे था एलुविएशन, इल्यूविएशन। सो बी होराइजन वो होराइजन जमीन का, सॉइल का, जिसमें आयंस, क्ले पार्टिकल्स और मिनरल्स आके जमा होते हैं। आते कहाँ से हैं? वो ए होराइजन से आते हैं। अच्छा, इसके बाद कुछ इंटरमीडिएट होराइजन्स होते हैं जो आपको बुक में भी नजर आएंगे, जैसे के हो गया, जी हो गया, ये इसमें कुछ में कार्बोनेट्स हैं, कैल्शियम कार्बोनेट्स हैं, कुछ डिफरेंट कलर्स की वजह से बनते हैं, जैसे पानी खड़ा रहे तो रिडॉक्स कंडीशंस बन गई, सॉइल का कलर चेंज हो गया, जमीन का कलर चेंज हो गया। ये इंटरमीडिएट होराइजन्स, ये मास्टर होराइजन्स नहीं, हम मास्टर होराइजन की बात कर रहे हैं, दैट इज ए बी एंड देन इज द सी। ये बी होराइजन की कुछ प्रॉपर्टीज जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके कि बी होराइजन में जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है ऊपर से
ट्रांसलोकेश होता है, ट्रांसलोकेशन होती है जिसकी, ये ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं। यहाँ से ये देखें, ये ए होराइजन था, ये बी होराइजन है, इसमें आपको ये छोटे छोटे डॉट्स नजर आते हैं। एक्चुअली दीज आर द मटेरियल्स विच आर एक्यूमुलेटेड फ्रॉम ए होराइजन। तो सी होराइजन की तरफ अब मूव करते हैं। सी होराइजन इज द वेदर्ड पेरेंट मटेरियल, दिस वन, ये सी होराइजन है। यहाँ पे, यहाँ भी आपको नजर आ रहा है ये वाला, यहाँ भी नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे क्लियरली, ऊपर की लेयर्स डिफरेंट हैं, यहाँ पे आके ये सारा डिफरेंट है। दिस इज वीकली अल्टर्ड सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस क्लोजली रिजेंबल्स पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल इज बेसिकली दैट मटेरियल फ्रॉम विच सॉइल इज डिवेल्प्ड। ये जो जमीन में कुछ थोड़ी देर डिगिंग करने के बाद आपको सैंड पार्टिकल्स से नजर आते हैं, दैट इज द एक्चुअली सी होराइजन। इसको हम कहते हैं, ये पेरेंट मटेरियल भी है जो किसी भी सॉइल में नीचे मौजूद है। अब ये तीन होराइजन कवर किए हमने, ए बी सी। इसके नीचे क्या चीज है, यहाँ पे, दिस वन, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज आर, जिसको रेगुलेथ भी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये अगेन हुई डिस्कशन कि ए होराइजन, बी होराइजन, सी, और इसके दरमियान में ई होराइजन था, जिसको हमने जोन ऑफ एलुवियेशन भी बोला था, कि यहाँ पे एलुवियेशन होती है और वो बी में इलुवियेशन होती है। सो ई हैज जोन ऑफ एलुवियेशन, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर, क्ले, कार्बोनेट्स, आयरन, एलुमिनियम ऑक्साइड्स, ये एलुविएट होके, रिमूव होके नीचे बी होराइजन में चले जाते हैं, बी होराइजन में। सो आर होराइजन इज बेसिकली द रेगुलिथ, इट्स द बेड रॉक, अनकंसोलिडेटेड बेड रॉक, जिससे सी होराइजन बना पेरेंट मटेरियल, और पेरेंट मटेरियल से ऊपर वाली सॉइल बनी, जो कि ए होराइजन, ई होराइजन, बी होराइजन, ये तीनों होराइजन्स बने। सो किसी भी सॉइल में, सॉइल के प्रोफाइल में, आज हमने ये समझा कि डिफरेंट होराइजन्स होते हैं, विच आर द हॉरिजेंटल लेयर्स, और हर होराइजन की डिफरेंट फीचर्स हैं। ए होराइजन इज अ टॉप लेयर अबाउट 10 to 25 cm, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर।